द्वारा इसमें एक कार्यक्रम भी किया गया था जिसमें निदेशक महोदय द्वारा गन्ना किस्म के बारे में बताया गया था, उसके पहचान के बारे में बताया गया था, उसकी उपलब्धता के बारे में बताया गया था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यह किस्म इस किस्म के लिए बहुत से किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लगभग 500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, एक हफ्ते का रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चला था। चूँकि बीज की मात्रा अभी कम है, क्योंकि यह किस्म पिछले वर्ष ही अभी रिलीज हुई है, तो बहुत प्रयास किया गया इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए, हर स्तर से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, चाहे वो टिशू कल्चर हो, चाहे सिंगल बड हो या सामान्य कल्टीवेशन हो, सभी पॉलीबैग हो, सब माध्यमों से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी बीज की उतनी मात्रा अभी नहीं हो पाई है। तो कुछ किसानों को अक्टूबर में उपलब्ध कराया जाएगा और कुछ किसानों को बीज फरवरी में उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन जो भी गन्ना किस्म इसमें उपलब्ध कराया जाएगा किसानों को, वो समितियों के माध्यम से किया जाएगा, सीधे किसान को यहाँ से नहीं दिया जाएगा। जिन किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनकी लिस्ट संबंधित समिति में भेज दी जाएगी आवंटन के पश्चात, और प्राथमिकता ये होगी, प्रयास ये किया जाएगा कि उन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनको पहले दिया जाए, यदि बीज बचता है तो अन्य किसानों को दिया जाएगा, लेकिन सारा वितरण का कार्यक्रम समितियों के माध्यम से, जिले के जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। तो यह इसलिए आप लोग इस किस्म की उपलब्धता के लिए आवंटन के पश्चात आप लोग अपने अपने संबंधित समिति से, जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क करें। अगले मंगलवार को हम एक नए विषय के साथ, गन्ना खेती के एक नए वैज्ञानिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।